देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और खतरनाक बीमारी ने फिर से देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। 2019 में इस बीमारी की वजह से 150 से भी ज्यादा मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमकी बुखार यानी कि एनसेफेलाइटिस की। इस बीमारी ने फिर से एक बार अपना सर उठाया है और इस साल भी इसका पहला मामला मुजफ्फरपुर जिले से ही सामने आया है। बच्चे को SKMCH के ICU वार्ड 2 में भर्ती कराया गया है। मामले में पूछे जाने पर SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर SK साही ने बताया है कि इस साल का पहला AES का केस सामने आया है जो कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा इलाके का है और बच्चे का लगातार इलाज किया जा रहा है। इसके बाद भी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का यही सोचना है कि कहीं ये बीमारी पिछले साल की ही तरह फिर से भयावह रूप न ले ले। आपको बता दें कि पिछले साल जून के महीने में फैली इस महामारी ने बिहार प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे क्योंकि जिले के कई हिस्सों में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इसे रोकने में काफी समय लग गया था और बिहार के साथ साथ ये बीमारी यूपी के पूर्वांचल में भी फैल गई थी। न्यूज डेस्क।